जेएमएम विधायक और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने मंगलवार को पार्टी से इस्तीफा दिया और फिर कुछ ही देर बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। भाजपा ज्वाइन करने के बाद सीता सोरेन ने दावा किया कि राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी में उनकी उपेक्षा की जा रही है और उन्हें अलग थलग कर दिया गया। सीता सोरेन नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और झारखंड चुनाव प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुई। वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद सीता सोरेन ने कहा कि मैंने 14 साल तक पार्टी के लिए काम किया, लेकिन मुझे कभी भी पार्टी से वो सम्मान नहीं मिला जिसकी मैं हकदार थी। इस वजह से मुझे यह फैसला लेना पड़ा। पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह पर भरोसा रखते हुए मैं आज बीजेपी में शामिल हो गया। हमें झारखंड और अपने आदिवासी भाइयों की जिंदगी को बचाना है। झारखंड में बदलाव की जरूरत है। वहीं जेएमएम नेता और हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन कर लिया। इसके बाद महुआ मांझी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा है कि हम तो हैरान हैं, सीता सोरेन ने भी अपनी बात कही है। बता दें कि सीता सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर जेएमएम सांसद महुआ मांझी का कहना है कि हम सभी हैरान हैं, हमें इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, उन्होंने ऐसा क्यों किया। यह लेकिन पार्टी अभी संकट के दौर से गुजर रही है, इसलिए मुझे लगता है कि सभी को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। यह हमारी पार्टी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव नज़दीक है, हमारी पार्टी मजबूत है, लोगों को यह गठबंधन पसंद है। हेमंत सोरेन शिबू सोरेन के मार्गदर्शन में काम किया और अधूरे काम को चंपई सोरेन द्वारा पूरा किया जा रहा, तो यह अंतिम व्यक्ति के लिए भी अच्छा संदेश है। लोग चाहते हैं कि एक बार फिर जेएमएम और गठबंधन की सरकार बनी रहे, ऐसे फैसले जल्दबाजी में लिए जाते हैं। वही पार्टी सुप्रीमो और अपने ससुर शिबू सोरेन को संबोधित अपने इस्तीफे पत्र में सीता सोरेन ने अपनी शिकायतें वक्त करते हुए दावा किया कि उनके पति दुर्गा सोरेन की मृत्यु के बाद झामुमो उन्हें और उनके परिवार को पर्याप्त सहायता प्रदान करने में विफल रही। सीता सोरेन ने दुख जताते हुए कहा कि वो पार्टी में उपेक्षित महसूस कर रही थी और उन्होंने अनिच्छा से पार्टी को प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा देने का फैसला किया। उन्होंने अपनी निराशा भी व्यक्त की जो उन लोगों को शामिल करके उनके पार्टी मूल्य से विचलन का संकेत देती है, जिनके सिद्धांत इसके लोकाचार के साथ संरेखित नहीं है। झामुमो विधायक ने आरोप लगाया कि मुझे पता चला कि मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ साजिश रची जा रही है, मेरे पास अपना इस्तीफा देने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। बता दें कि सीता सोरेन सत्ताधारी गठबंधन में रहने के बावजूद भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाया करती थी। झामुमो को यह बात शुरू से पसंद नहीं आती थी। परिवार में भी जब हिस्सेदारी की बात होती तो सीता सोरेन और उनकी बेटियों को हमेशा नजरअंदाज किया जाता रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा चाटुकारों से घिरी हुई पार्टी है। सीता सोरेन के लिए घड़ियाली आंसू बहाने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने ट्विटर हैंडल से उनके लिए घर का भेदी लंका ढाया जैसे अपमानजनक बातों को लिखकर अपनी असलियत दिखा दी। मोर्चा ने स्वीकार कर लिया है कि यहाँ रावण राज के समान परिस्थितियां हैं। इस तरीके से सीता सोरेन जब पार्टी से इस्तीफा दी तो उनका जो भावुक एक संदेश था, अपने ससुर को एक इस्तीफा पत्र लिखा जिसमें काफी वो भावुक हुई और ये सारी बातें अपने ससुर के सामने वो रखी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।